किसी पार्टी के नेता में हिम्मत ताकत औकात नहीं है। विधानसभा में जब मैंने भदोही ही नहीं पूरे बल्कि उत्तर प्रदेश की आवाज को, हिंदुओं की आवाज को उठाने का काम किया था, आजादी के बाद जहां पे अन्य तमाम पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। और मुस्लिम समाज ने रविंद्र त्रिपाठी, अपने बेटे, अपने भाई को भी वोट देने का काम किया है। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पक्षपात की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, भदोही में कोई लड़ाई है ही नहीं। भदोही में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बहुत अंतर वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। अब प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है। टिकट मिलने के बाद जिस तरह से आपको टिकट मिला, फिर कुछ बागी चेहरे हुए, कुछ जयचंदों ने अपना काम किया, आप चुनाव हार गए। यही अक्सर कई जगहों पे होता है कि बगावत चालू हो जाती है टिकट मिलने के बाद। पिछले कई दशक से बाहरी ही आके भदोही को चारागाह बना देते हैं। क्या यहाँ पे लीडरशिप की कमी है, क्या मानते हैं? भदोही में प्रतिनिधित्व की कमी है। भदोही के जो नेता हैं वो विधानसभा में या लोकसभा में भदोही के मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं। आइए हमारे साथ आज बात करने के लिए लोकसभा 78 में प्रबल दावेदारी के रूप में 17वीं विधानसभा के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से, और जानते हैं कि ललतेशपति त्रिपाठी के बयान को इस रूप में देखते हैं। अजी, स्वागत है विधायक जी। क्या कहेंगे इस तरह का बयान कि भदोही में प्रतिनिधित्व की कमी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आज के दिन समस्त देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका ये जो बयान है कि भदोही में नेतृत्व की कमी है, वो एक तरह से बचकाना है। मैं रविंद्र त्रिपाठी उनको बताना चाहता हूँ कि हम जनपद जौनपुर से भी विधायक रहे और जनपद भदोही से भी विधायक रहे, और हमारा राजनीतिक सफर यहाँ पे 1999 से मैं ब्लॉक प्रमुख सुरजामा का रहा, अब होली का ब्लॉक प्रमुख रहा। तो उनको बताना चाहता हूँ कि भदोही में एक से एक लोग, पंडित श्यामधर मिश्रा जी, मुरलीधर पांडे जी एवं कई नेता भदोही का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। इस तरह का बयान वो चुनाव लड़ने आए हैं, इस तरह का बयानबाजी उनको नहीं करने देना चाहिए कि भदोही में नेतृत्व की कमी है। भदोही में नेतृत्व की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और निश्चित रूप के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर भारत और उत्तर प्रदेश की बात करें तो निकाल करके देख लें, यूट्यूब पे देख लें, रविंद्र त्रिपाठी ये जो भदोही का एक बेटा है, यहाँ का लाल है, जो जन जन में सभी लोग अपना बेटा भाई करके पुकारते हैं, वहाँ पे मैंने अपना बयान निकाल करके देखे, वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम किया था। और ये आवाज़ उठाने का काम किया था कि जो चाहे वह रोहिंग्या हैं, चाहे वह बांग्लादेशी हैं, जो भारत में आकर के आतंकवादी का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को कानून बना करके भारत की सीमा से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी, वह जो हमारा इतना बड़ा वहां पे भाषण था, पूरे भारतवासियों के, हिंदुओं की आवाज को उठाने का काम किया था, और उसके तुरंत बाद धारा 370 लागू हुई, सीए लागू हुआ, तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि हमने हिंदुओं की आवाज उठाई, विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है, तुष्टिकरण की बात करने लगती है, ईडी और सीबीआई का दबाव बना के विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं दोषी हैं, तभी तो आप जेल जा रहे हैं। अगर आप दोषी न होते तो आप जेल क्यों जाते? निश्चित रूप से देखिए, कानून से बढ़कर के कोई नहीं होता है, वो कानून सबके लिए बराबर है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कानून का राज स्थापित है, इसीलिए तो विदेश के लोग आज भारत में आना चाहते हैं और भारत में आकर के आज
अपना पूंजी निवेश कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े कल कारखाने लगाने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। सर, 2024 के चुनाव में भाजपा ने एक स्लोगन दिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार और भाजपा आपकी 400 के पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा, वहां से 30 ऐसे जगह हैं जहां उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, वो प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसे भी हैं कि प्रत्याशियों को टिकट दिया था और वो टिकट वापस कर दी, वहां से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, विपक्ष के लोगों के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष के लोग अगर कोई उनको बुला करके आज चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो आज प्रत्याशी खोज रहे हैं, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। निर्दल भी लोग चुनाव लड़ते हैं, 500 वोट पाते हैं, तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार, उसको दुनिया विश्व की कोई हस्ती नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक ले। और निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम 4 जून को जो 400 का नारा हमारा पार है, 4 जून तारीख भी है, निश्चित रूप से हम 400 के पार ये सीटें हासिल करने का काम करेंगे। हम लोग सीधे सीधे कमल का फूल जानते हैं और कमल के फूल पे हम लोग सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज बेताब है कि कब वह समय आए और हम कमल के सामने वाली बटन को दबा करके तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सर, आपने कहा कि हम सिर्फ कमल का फूल देखेंगे, लेकिन भदोही में कई दिनों से एक नारा चल रहा है, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, फिर बाहरी और भीतरी की भी लड़ाई है और आप लोग कह रहे हैं कि हम कमल का फूल देखेंगे, ये किस तरह की सर बातें हैं? देखिए, भारतवर्ष में हर लोगों को कहीं से भी, अगर वह भारत का नागरिक है तो वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बस वहीं के लोग भी तो यही मांग है उनकी कि इस बार यहीं के लोगों को टिकट दिया जाए, फिर आखिर पार्टी और संगठन तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच पाती? देखिए, एक एक बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी पूरा सर्वे कराती है, सर्वे करा करके निश्चित रूप से वो फैसला करने का काम करते हैं। और मैंने जैसा बताया कि कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है और भदोही में नेतृत्व की कमी नहीं है, यह पार्टी उच्च नेतृत्व का काम है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देने का काम करे, सिंबल देने का काम करेगी। 1500 वोट कोई मायने नहीं रखता है इतनी बड़ी विधानसभा में, वो चुनाव हम एक तरह से जीतते बहुत कम वोटों से चुनाव हारे, तो वो हार मैं उसको नहीं स्वीकार करता हूँ। चूंकि 1,00,000 जनता के लोगों का मैं विधायक था और हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, उनके सुख दुख में एक व्यक्ति पूरे भदोही विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे भदोही जनपद में घूम आइए, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि रविंद्र त्रिपाठी जिस दिन से चुनाव हारे हैं वो घर पे बैठे हैं, उस दिन से निकल करके जो सेवा थी उससे अधिक काम करने का काम कर रहा हूँ और उससे अधिक योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले आकर के भदोही को विकसित करने के लिए जो हमारा संकल्प है 2047 तक भारत विकसित करने का, वही हमारा नारा है भदोही में कि हम भदोही को हर हालत में विकसित करने का काम करेंगे। इसीलिए तो हमने 4 लेन की सड़क बनाने का काम किया, दर्जनों पुल बनाने का काम किया। आज देखिए ना, भदोही सुरयामा से भदोही जाने में 1.5 घंटे समय लगता था, आज 15 से 20 मिनट लगता है। आज भदोही में हमने 2 ओवरब्रिज देने का काम किया, हमने कारपेट स्वमार्ट देने का काम किया, गलियों गलियों में रोड पहुंचाने का काम किया, गली गली में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, गली गली में हमने उज्ज्वला योजना पहुंचाने का काम किया, हमने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया और निश्चित रूप से पेंशन योजना लगा करके और अच्छी शिक्षा के लिए हमने भदोही में मेडिकल कॉलेज के भूमि का भी वो कर दिया, बहुत जल्द भदोही में मेडिकल कॉलेज भी बनकर के तैयार होगा। तो भदोही आज विकास के पथ पे है।